हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधाज वेज रेसिपीज़। आज हम एक बहुत ही स्पेशल मौसमी सब्जी बना रहे हैं, रेन स्पेशल, जिसे कहते हैं कंटोला या करटूले या वन करेला। ये सब्जी दुनिया की सबसे सेहतमंद सब्जियों में आती है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर सबको कंट्रोल करती है। इवन वज़न घटाने में ये बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो चलिए देखते हैं इसकी आसान सी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 250 ग्राम कंटोला या ककोड़ा भी इसे कहते हैं, वन करेला और इंग्लिश में इसे कहते हैं स्पाइन गार्ड। तो मैंने इनको अच्छी तरह से धो लिया है और अब हम इनको काटेंगे। तो काटने के लिए आप चाहें तो गोल या लंबे जैसे चाहे टुकड़े कर सकते हैं। पहले दोनों साइड को हटा देते हैं हम, और अब इसको इस तरह से दो टुकड़े करके इसे रख के इस तरह से पतले पतले लंबे लंबे टुकड़ों में काट सकते हैं। चाहिए तो आप गोल टुकड़े भी कर सकते हैं। इस तरह से एक और करके दिखाती हूँ मैं। तो इस तरह से मैंने काटे हैं थोड़े से, और सारे कंटोलों को हम इसी तरह से काट लेंगे। तो ये सारे कंटोलों को मैंने इस तरह से काट लिया है टुकड़ों में, और साथ ही मैंने लिया है एक बड़ा प्याज, जिसे मैंने महीन काट लिया है, महीन या लंबे कैसे भी आप काट सकते हैं। 7-8 लहसुन की गलियाँ और 2-3 हरी मिर्च, इन्हें भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो चलिए आप सब्जी बनाते हैं। इससे पहले मुझे बताइए कि इस सब्जी को आपकी भाषा में किस नाम से जाना जाता है। तो हमने एक कढ़ाई गरम की है और उसमें डालना है हमें 1.5 से 2 बड़े चम्मच तेल। आप कम तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तेल में सब्जी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तेल गरम हो गया तो हम डाल रहे हैं इसमें 1/2 छोटा चम्मच राई और 1/2 छोटा चम्मच जीरा। इन्हें अच्छी तरह तड़कने देंगे। राई और जीरा तड़क गया तो हम डाल रहे हैं इसमें पहले ये कटी हुई लहसुन की कलियाँ। इनको थोड़ा सा भून लेंगे। लहसुन की कलियाँ पक गई है तो अब डाल देंगे हरी मिर्च और ये महीन कटी हुई प्याज। अच्छी तरह से तेल में मिक्स करेंगे। प्याज को थोड़ा सा पकने देते हैं। प्याज हमारी 1 मिनट के लिए पक गई है, इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ थोड़ी सी नरम हो जाए बस। तो अब डाल रहे हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और इसमें डालेंगे स्वादानुसार, या अभी मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जितना नमक। इन सबको अच्छी तरह से मिला लेते हैं प्याज में। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर भी डाल दूँगी इसमें, और अब इसमें हम डालेंगे ये कटे हुए कंटोले या ककोड़े। ये प्याज के पानी से ही पकेगा ज़्यादा, इसलिए हमें प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है इसमें। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इस पर ढक्कन लगा देंगे, आँच को कर देंगे धीमा, और इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। प्याज और कंटोले से जो पानी निकलेगा उसी में ये सब्जी पक जाएगी। बीच बीच में हर 2-3 मिनट में इसे चलाते रहेंगे। एक बार फिर से चेक करते हैं। मैंने 2-3 बार पहले भी चेक किया है, और ये जो पानी है इसमें ढक्कन में, ये फिर से हमें कढ़ाई में डाल देना है, क्योंकि ये इन्हीं सब्जियों का पानी है जो कि बहुत गुणकारी है। तो हमारी सब्जी ऑलमोस्ट पक गई है। इसमें अब हम डालेंगे ये 2 बड़े चम्मच भुना हुआ बेसन। इसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था बिना किसी तेल या घी के, सिर्फ इसे सूखा ही ड्राई रोस्ट करना है। और 1/2 छोटा चम्मच अमचूर का पाउडर। सबको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो बेसन और अमचूर अच्छी तरह से मिक्स हो गया। ढक्कन लगा के सिर्फ 1 मिनट के लिए और हमें इसे कुक करना है। तो बेसन के साथ ये सब्जी अच्छी तरह से पक गई है, और हमने गैस को बंद कर दिया है। सब्जी परोसने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो लीजिए, ये स्वादिष्ट और सेहतमंद कंटोले की सब्जी बनकर तैयार है। इसका मज़ा आप किसी भी तरह की रोटी, चपाती, भाकरी के साथ ले सकते हैं, और दाल चावल के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है ये। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए मिलती है ये सब्जी, अभी इसका मौसम है, ज़रूर इसे ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए मुझे। हम मिलते हैं और रेसिपीज़ के साथ। बाय।